हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल खान पान और पकवान। तो आज है नवरात्रि का छठा दिन, सिक्स्थ डे। तो हम बना रहे हैं मखाने की खीर, ज़ीरा राइस, लौकी की सब्ज़ी, आलू दम और रायता। चलिए शुरू करते हैं मखाने की खीर से। तो यहाँ मैंने लिया है एक कढ़ाई में 2 चम्मच घी और उसमें डाल देती हूँ 1 कप मखाना और इसको करते हैं रोस्ट या फ्राई, हल्का फ्राई आप कह सकते हैं इसको। ये लीजिए, ये है करीब 3 से 4 मिनट इसको ऐसे ही रोस्ट करना है हल्के से घी में। ऐसे टॉस भी कर लेते हैं एक आध बार। ये हो गया है तैयार, इसे निकाल कर अलग रख देते हैं और ठंडा होने देते हैं। अब लिया है मैंने 1 कटोरी में बादाम, काजू, अखरोट और फिर उसको पीस लिया है कोसली ग्राउंड, और जो मखाना था उसे भी कोसली ग्राउंड कर लिया है। यहाँ मैं चढ़ा रही हूँ 1/2 लीटर दूध और इसको उबलने देते हैं। जब दूध में उबाल आ जाए, अच्छी उबाल आ जाए, तो इसमें डाल देंगे ये ड्राई फ्रूट्स और इसको फिर उबलने देंगे करीब कम फ्लेम में 5 मिनट तक, और बीच बीच में चलाते रहेंगे ताकि ड्राई फ्रूट्स नीचे ना चिपक जाए। अब हो गए हैं 5 मिनट, तो इसमें डाल देंगे चीनी 2 चम्मच, या आप अपने स्वाद के अनुसार डाल सकते हैं। दो तीन मिनट और पकने देंगे, चीनी गल जाए अच्छे से। इसके बाद करीब 5 मिनट तक कम फ्लेम पे इसको पकाते रहेंगे, दूध थोड़ा कम हो जाए और गाढ़ा हो जाए। ड्राई फ्रूट्स डालने के बाद गाढ़ा हो जाता है। इसके बाद ये मखाना डाल देंगे। और मिलाते रहेंगे और 5 मिनट तक और इसको बॉईल होने देंगे कम फ्लेम पे, और डाल देंगे इसमें इलायची पाउडर और केसर। केसर को दूध में मैंने ऑलरेडी भिगो के रखा था, उसे डाल देंगे क्योंकि कलर बहुत अच्छा आ जाता है केसर से। खीर हो गई तैयार। तो चलिए अब शुरू करते हैं लौकी की सब्ज़ी। लौकी की सब्ज़ी मैंने बहुत ही साधारण बनाई है, बहुत ही बिल्कुल सिर्फ फ़ौरन डाल करके, पर ये बहुत ही स्वादिष्ट होती है। तो मैंने लिया है एक कुकर, उसमें डाल देती हूँ 2 चम्मच घी, और घी के गर्म होते ही उसमें डाल देंगे 2 हरी मिर्च स्लिट की हुई, और फिर डाल देंगे जीरा 1 चम्मच जीरा, और इसे क्रैकल होने देंगे। फिर डाल देंगे लौकी जिसे मैंने इस तरह से काटा है, इसको ज़रा मिला देंगे, एक अच्छा मिक्स दे देंगे। फिर इसमें डाल देंगे चुटकी भर हल्दी पाउडर और स्वाद के अनुसार नमक। हम यूज़ कर रहे हैं यहाँ पर सेंधा नमक, जिसे हम कह सकते हैं व्रत का नमक भी। हल्दी नमक डालने के बाद इसको एक बार और स्टर करेंगे और 2-3 मिनट तक ढक कर रुक जाएंगे। देखिए पानी बहुत छूट गया है। फिर उसको कर देंगे कुकर को बंद, और 2 विसल आते ही, सिर्फ 2 विसल आए तो इसको खोल देंगे, और फुल फ्लेम पे अभी रखना है और लौकी को सूखने देना है। ये देखिए सब्जी बिल्कुल सूख जाएगी इस तरह से, और लौकी की सब्ज़ी हो जाएगी तैयार। तो चलिए बना लेते हैं अब ज़ीरा राइस। इसके लिए मैंने यूज़ किया है समा का चावल 1 कप, और इसको अच्छे से वॉश करके रेडी कर लेते हैं, और फिर चढ़ा लेते हैं एक तरफ कुकर, और कुकर में डाल देते हैं 2 चम्मच घी, और घी जब थोड़ा गर्म हो जाए तो साथ साथ में डाल देंगे 2 चम्मच ज़ीरा, और ज़ीरा को क्रैकल होने देंगे थोड़ी देर तक के लिए। फिर डाल देते हैं इसमें धुला हुआ सामा का चावल,
मिला देते हैं एक आध बार, और स्वाद के अनुसार सेंधा नमक या व्रत वाला नमक, और फिर डाल देंगे इसमें पानी जो है 2 कप से थोड़ा ज़्यादा। समा के चावल में थोड़ा ज़्यादा पानी लगता है, इसलिए यहाँ डाल रही हूँ मैं 2 और 1/4 कप पानी, और कुकर को कर देंगे बंद। फिर जस्ट एक विसल आ जाए तो कुकर को खोल देते हैं, और उसके बाद ये देखिए चावल रेडी है, ज़ीरा राइस रेडी है। थोड़ा भी गीला लगता है, लेकिन ठंडा होते ही ये अलग-अलग हो जाएगा। और अब बना लेते हैं आलू दम। तो आलू दम के लिए मैंने लिया है यहाँ पे 2 कटे हुए आलू इस तरह से, और इसको डाल देती हूँ घी में, और अब इसको ढक देते हैं और इसको गलने देते हैं, फ्लेम कम रखेंगे। अभी है थोड़ी देर के बाद, 5 मिनट के बाद ऐसे लाल हो जाते हैं आलू, फ्लेम कम करके इसको पकाते रहेंगे जब तक कि यह गल ना जाए। जब ये गल जाएगा तो फ्लेम को थोड़ा तेज कर देंगे और आलू को लाल हो जाने देंगे। अब हो गया आलू तैयार, तो इसको निकाल लेते हैं। अब इस कढ़ाई से थोड़ी घी कम कर देंगे और इसी कढ़ाई में बना लेंगे आलू दम। तो ये रहा, अब इसमें डाल देंगे 1 चम्मच जीरा और इसको क्रैकल होने देंगे। अब मैंने यहाँ पीस के रेडी किया हुआ है 4 टमाटर, 1 इंच अदरक और 2 हरी मिर्च। अगर आप अदरक खाते हो तो यूज़ करें, वरना छोड़ भी सकते हैं। यहाँ पर अगर आप इलायची और गरम मसाला खाते हैं तो इसमें डाल सकते हैं पीसने के वक्त। अब पीस लेते हैं और पिसा हुआ मसाला इसमें डाल देते हैं घी में। अब डालेंगे इसमें नमक, सेंधा नमक जो है व्रत का नमक, हल्दी पाउडर, जीरा पाउडर, धनिया पाउडर और 1 चम्मच पेपर पाउडर। अब मसाले को अच्छे से भुनना है। देखिए मसाला भुन गया है, अगल बगल से घी नज़र आने लगा है। मैं अब डाल देंगे करीब 20 ग्राम खोआ। खोआ को हम कस लेते हैं और कस के इसमें डाल देते हैं। ये देखिए कद्दूकस कर लिया मैंने खोए को, और कढ़ाई में डाल देते हैं। इसको भूनेंगे मसाले के साथ। दो तीन मिनट के बाद इसमें डाल देते हैं 5 कोसली ग्राउंड बादाम। बादाम को मैंने ऐसे रफली पीसा है, इसको डाल देते हैं इसी में। और बस 1 मिनट के बाद आप ये भुना हुआ आलू इसमें डाल दीजिए, इसको मिक्स कर लीजिए और पानी डाल दीजिए करीब 1 कप। अब ये उबलने लग जाए तब सब्जी हो जाएगी तैयार। इसको गार्निश कर लीजिए धनिया पत्ता के साथ। थाली को मैंने सर्व किया है और साथ में डाला है रायता भी। तो रायता एक नॉर्मल बनाया है मैंने, जस्ट दही में सेंधा नमक और भुना हुआ जीरा पाउडर डाल देते हैं। चलिए अब प्लेट को तैयार करते हैं। ये देखिए जीरा राइस, लौकी की सब्जी, मखाने की खीर, आलू दम और रायता तैयार है। नवरात्रि की थाली day 6। तो कैसा लगा आपको आज का खाना, व्रत का खाना? अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर करें, और मेरे चैनल को ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब करें, क्योंकि मैं मिलूँगी और भी नए नए वैरायटीज़ एंड खाने के साथ व्रत के बाद भी। थैंक यू फॉर वॉचिंग, एन्जॉय, हैप्पी नवरात्रि।